डिग्गल में हमारा परिवार की डिग्गल इकाई की मासिक बैठक में आना हुआ था, जिसमें सभी हमारा परिवार से जुड़े हुए सदस्य आमंत्रित थे। और हमारा परिवार की नियमित मासिक बैठकों के माध्यम से सामाजिक निर्णय लिए जाते हैं। समाज के लिए, प्रकृति के निमित्त और संस्कृति के निमित्त हमारा परिवार विशेष रूप से कार्य कर रहा है। ये किस प्रकार कार्य करता है? हमारा परिवार एक सामाजिक संगठन है। अपनी चमड़ी अपनी दमड़ी की शैली से प्रेम संबंधों के माध्यम से सामाजिक व्यक्तियों को एकत्रित कर हमारा परिवार के मंच पर इकट्ठा करके उनके कार्यों के माध्यम से सामाजिक सेवाएं कर रहा है। क्या क्या सेवाएं देता है हमारा परिवार? जैसे प्रकृति के नियमित कार्य कर रहा है। हमारा परिवार में अभी 15 जुलाई से 15 अगस्त तक हमारा परिवार की हरियाणा में 33 इकाइयाँ हैं, जो कि निरंतर एक महीने में वृक्षारोपण अभियान के माध्यम से कार्य कर रही हैं। वृक्षारोपण का खर्चा कहाँ से आता है? वृक्षारोपण का खर्चा प्रत्येक जो इकाई के सदस्य हैं वो स्वयं वहन करते हैं। हमारा परिवार कभी कोई धन संचय नहीं करता है। हमारा परिवार की शैली है कि अपनी चमड़ी अपनी दमड़ी से कार्य करने की। और क्या क्या कार्य होते हैं? एक हमारा परिवार का मुख्य उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रभक्ति के निमित्त कार्य करना है। अपने देशभक्तों अपने राष्ट्र के लिए बलिदान देने वाले वीरों को नमन करने का कार्य विशेष रूप से करता है। और हमारा परिवार देना सिखाता है, क्योंकि लेना लेने की इच्छा से आने वाला व्यक्ति कभी राष्ट्र सेवा करने में सहयोगी भूमिका नहीं निभा सकता। हमारा परिवार के माध्यम से प्रतिवर्ष स्वदेशी के नियमित कार्य किए जाते हैं। बाइक यात्रा के माध्यम से हमारी जैसे बहादुरगढ़ जो इकाई है वो दीपावली के शुभ अवसर पर स्वदेशी जागरण का कार्य करती है, जिसमें हमारी टीम गांव-गांव जाकर स्वदेशी चीज़ों को खरीदने और स्वदेशी का निर्माण करने के लिए जागरण का काम करती है। हमारा परिवार, जैसे बताया कि हमारा परिवार पर्यावरण के संबंध कार्य करता है, वृक्षारोपण अभियान करता है, इसलिए पर्यावरण के साथ साथ प्रकृति के साथ साथ हमारा परिवार सांस्कृतिक एवं हमारे राष्ट्र के जीवन मूल्यों हमारी संस्कृति के निमित्त कार्य करने का कार्य भी करता है, जिसमें अभी हमारा परिवार के रोहतक संच में